हाय फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आप पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप क्लास टेंथ में हैं, तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे आप जो है कि बहुत अच्छा नंबर लाएँगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आप बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं अगर आप क्लास टेंथ में हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो सबसे पहले आपके क्लास टेंथ में 6 सब्जेक्ट होते हैं और आपको सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो सब्जेक्ट उनको पसंद होता है, जैसे मान लीजिए मैथ्स अगर पसंद होता है तो वो केवल मैथ्स के ही क्वेश्चन करते हैं और सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़िए तो आप कोशिश करिए कि उस 2 घंटे के बीच में आप सभी सब्जेक्ट को कवर करिए, सभी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए। अगर फ्रेंड्स आप मान लीजिए 2 घंटे में रोज़ केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको मैथ पसंद है, केवल मैथ ही रोज़ पढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका मैथ तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, लेकिन और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये सभी सब्जेक्ट में आप वीक हो जाएंगे और जो आपका एग्ज़ाम का परसेंटेज आता है वह एक सब्जेक्ट से आपका परसेंटेज नहीं बनेगा। जब आपका सभी सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे नंबर आएंगे तभी आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना है जिससे कि आगे चल करके आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज आए। तो सबसे पहले आप यही कोशिश करिएगा कि आप जब भी पढ़ने की कोशिश करें तो आप सब सब्जेक्ट को पढ़िएगा। तो फ्रेंड, दूसरा जो चीज़ आपको करना है, आपको यह करना है कि आपको कोर्स बुक ही पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोर्स बुक ना पढ़ करके साइड बुक पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना, आपको केवल कोर्स बुक ही पढ़नी है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वह कोर्स बुक से ही आते हैं। जैसे जो भी आपके बोर्ड में किताब चलती है वही आप पढ़ दीजिए, उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुकें चलती है तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, आप साइड बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उस तरह के मेथड्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं लेकिन वह क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्वेश्चन ही आपको उसमें से मिलेगा, क्योंकि जो पेपर बन के आता है वह उसी बुक से बन के आता है, एनसीईआरटी की बुक से ही बन के आता है। अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप जो है कि कोर्स बुक को ही पढ़िए, आप साइड बुक पढ़ने से बचिए। तो फ्रेंड, तीसरा जो चीज़ आपको करना है, आपको यह करना है कि आपको सभी चैप्टर जब आप पढ़ें तो उसका एक नोट्स बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते जाएंगे और उसका नोट्स बनाते जाएंगे और उस लेसन की जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप उस नोट में लिखते जाइए। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको सभी चैप्टर का एक नोट तैयार हो जाएगा और आपको यह हेल्प करेगा जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से 2-3 दिन जब बजेगा तो उसको आप जो है कि वहाँ पे क्विक रिवीजन कर सकते हैं, आप जो है कि ये सारी चीज़ें बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 2-3 दिनों के भीतर आप किताब से क्विक रिवीजन कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि किताबें में बहुत ज़्यादा दिया होता है और आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें केवल नोट्स में लिखे रहेंगे तो उससे आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और केवल वही चीज़ें उसमें आपने लिखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए अगर आप टेंथ में हैं। और फ्रेंड्स, अगला जो चीज़ आपको करनी है, आपको यह करना है कि आपको पीछे के 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम 1 से 2 महीने बचे तो उस बीच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और कैसे करना है, कितने नंबर के कौन क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के
क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आइडिया आपको मिल जाएगा। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में देने जाएंगे पेपर, तो आपको जो है कि काफ़ी आसानी होगी बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को लिखने में। तो फ्रेंड्स, आप जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका टॉपिक भी तैयार होगा। आपको यह भी पता चल जाएगा कि अभी आपका कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है, कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो चीज़ आपको करना है, आपको यह करना है कि आपको अपनी बुक में से उदाहरण को लगाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चैप्टर तो पूरा करते हैं, हर चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उदाहरण जो होते हैं उसको वो छोड़ देते हैं। तो यह ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको उदाहरण भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उदाहरण भी आते हैं। बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में उदाहरण आए हैं और आगे आने वाले समय में भी उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उदाहरण नहीं छोड़ना है किसी भी चैप्टर का, आपको सभी के उदाहरण कर जाने हैं, क्योंकि उदाहरण में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।